नमस्कार, कुकिंग एंड लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज मैं स्ट्रॉबेरी की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बना रही हूँ, तो आइए देखते हैं इसको बनाने का तरीका। ये रेसिपी बनाने के लिए दोस्तों मैंने ये स्ट्रॉबेरी लिया है, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब मैं इसमें करीबन 1 टेबल स्पून पाउडर्ड शुगर डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और मिक्स करके अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी करीबन 15 से 20 मिनट, ताकि जो ये पाउडर्ड शुगर का रस है वो स्ट्रॉबेरी में अच्छे से घुस सके। दोस्तों 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने इस स्ट्रॉबेरी को फ्रिज से निकाल दिया है और इसमें पाउडर्ड शुगर का रस बहुत अच्छे से घुस गया है। अब मैं इसको साइड में रख दूंगी और ये मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है। अब मैं इसमें ये अमूल क्रीम यूज़ करूँगी। और दोस्तों अमूल क्रीम को यूज़ करने से 1 घंटा पहले मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था, ताकि जो ये अमूल क्रीम का वाटर कंटेंट है वो एकदम नीचे बॉटम में सेटल हो जाए, क्योंकि हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए सिर्फ थिक क्रीम की ज़रूरत है। दोस्तों मैंने करीबन 4 टेबल स्पून अमूल क्रीम ले लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर डालूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम डाल सकते हैं शुगर। और साथ में मैं सिर्फ 1 ड्रॉप इसमें वनीला एसेंस डालूंगी। और अब मुझे इस क्रीम को अच्छे से विप करना है, तो मैं इसको अच्छे से ऐसे घुमा के विप करूंगी। दोस्तों इसको कंटिन्यूसली ऐसे ही विप करना है। विप करने से जो क्रीम का क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाता है और क्रीम भी काफ़ी थिक हो जाता है। करीबन 10 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको 10 मिनट बहुत ही अच्छे से फेटा है, इसको अच्छे से विप किया है मैंने। और देखिए दोस्तों क्रीम की क्वांटिटी भी जो है वो भी बढ़ गई है और क्रीम की कंसिस्टेंसी भी काफ़ी थिक हो गई है। बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए। दोस्तों ये विप्ड क्रीम बिल्कुल तैयार है। अब मैं इस बाउल को साइड में रख दूंगी और मैं ये ग्लास लिया है मैंने ये। अब मैं स्ट्रॉबेरी का और विप्ड क्रीम का लेयर प्रिपेयर करूंगी। उसके लिए मैं थोड़े से स्ट्रॉबेरी डाल दूंगी ग्लास में ऐसे, और अब मैं क्रीम डालूंगी ऊपर से, क्रीम का लेयर थोड़ा थोड़ा ही करके डालना है हमें ऐसे। इसी तरह मैं स्ट्रॉबेरी और क्रीम का लेयर प्रिपेयर कर दूंगी। मैं ऑलमोस्ट तैयार कर चुकी हूँ, बस ऊपर से मैं अब थोड़ा सा क्रीम इसमें डाल दूंगी। दोस्तों स्ट्रॉबेरी विथ व्हिप्ड क्रीम बनके बिल्कुल तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।